इनेलो पार्टी से करण डागर ने चेयरमैन पद की दावेदारी ठोकी। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर डागर ने इनेलो ज्वाइन की। नगर परिषद क्षेत्र को हरियाणा में नंबर वन बनाना प्राथमिकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई शुरुआत की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर किए जाएंगे काम। नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी का खास कार्यक्रम नगर परिषद का चुनावी दंगल। चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही पलवल नगर परिषद से जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं, करीब दर्जन भर जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं और 4 जून को उनके द्वारा अपना नामांकन भी भरा जा चुका है। ऐसे में 7 जून को जितने भी ये जो उम्मीदवार हैं उनको उनका चुनाव चिन्ह मिलेगा। पलवल नगर परिषद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 1.25 लाख मतदाता हैं और 31 वार्ड नगर परिषद क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन के, वो जनता के बीच में जाकर जनता का मन टटोलने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, हाल ही में आम आदमी पार्टी को अलविदा कह इनेलो में शामिल हुए जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं करण डागर जी, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं उनके और किस तरह का आशीर्वाद उनको जनता की तरफ से मिल रहा है। जी करण डागर जी, किस तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जी आदरणीय पत्रकार महोदय नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना वक्त दिया मुझे अपनी बात कहने का। पलवल नगर परिषद में बहुत दर्जनों मुद्दे हैं जिनको लेके मैं जनता के बीच में जा रहा हूं और आगे भी जाऊंगा, चुनाव तक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज़ वोट सपोर्ट चश्मे का चुनाव निशान पर। दर्जनों मुद्दे में से मैं आपको कुछ गिना देता हूं। भ्रष्टाचार पब्लिक के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आप नगर परिषद में किसी काम को लेके जाएंगे तो ये मैंने सुनने में आया कि बिना पैसे कोई काम नहीं होता है जनता का, आमजन का। आपके मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आपकी NOCs या इस तरह के जो काम हैं वो आपके घर बैठे होने चाहिए। अगर यदि मुझे मौका मिला चेयरमैन बनने का तो किसी भी आम व्यक्ति को बिना वजह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, उनके 24 घंटे में उनके एक ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया जाएगा और उनके ये सारे कागज़ जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हुआ, पेंशन से डिपार्टमेंट से हुआ, राशन कार्ड से रिलेटेड कोई चीज़ हुई, और आपका जो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाएगा और वो आपको घर बैठे मिलेगा और वो भी मात्र 24 घंटे में। बिजली बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए मीनार गेट से लेके आप हुड्डा चौक तक जाइए, सोहना मोड़ पे, आगरा चौक पे, रसूलपुर चौक पे, अब एलिवेटेड पुल भी हमारा निर्माण हो गया, उसके बावजूद भी जो बहुत भीड़ भड़क कर रहता है और समय पे लोग आपस में एक दूसरे के घर या ऑफिस नहीं आ जा पा सकते हैं, तो इस पे भी बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप बाज़ार में जाते हैं, मीनार गेट पे आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। पार्किंग व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कॉलोनियों में जाइए, सेक्टरों में जाइए, पार्कों के कितने बुरे हालात हैं, पार्कों को ठीक करना बहुत बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, हॉस्पिटल है हमारा एक सरकारी लेकिन उसमें कहीं डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई हैं तो डॉक्टर नहीं है, ये भी जिम्मेदारी बनती है नगर परिषद की कि वो अपने जनता के लिए डॉक्टर और हॉस्पिटल भी सुविधा मुहैया कराए। और अगर यदि मुझे ये मौका मिलता है तो फ्री होगा, हॉस्पिटल का इलाज मुफ्त होगा नगर परिषद क्षेत्रवासियों का। जो पीले राशन कार्ड और गुलाबी राशन कार्ड का मसला है वो जो लायक हैं उनके एक महीने के अंदर अंदर, चुनाव के एक महीने के अंदर अंदर सर्वे करवाना चालू हो जाएगा, और जो सही मायने में जो बेचारे लायक हैं आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं बहुत दिनों से, उनके घर बैठे, ऐसे नहीं उनको कहीं लाइन में लगना पड़ेगा, उनके घर बैठे जो लायक लोग हैं, जो उसके जिन्होंने उनकी ज़रूरत है पीले राशन कार्ड की या जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बेचारे जो घर से बेघर हैं उनको घर मुहैया कराया जाएगा। और हमारी जो बहन बेटी हैं उनके लिए स्कूल कॉलेज में आने जाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, बस और ट्रैफिक व्यवस्था फ्री में लागू की जाएगी। मेरा तो यहाँ तक भी विचार है, अगर यदि मुझे चुना जाता है तो पूरे पलवल में आपका मेघपुर से लेके किठवाड़ी, आपका आलापुर से लेके और कुसलीपुर तक एक ट्रैफिक व्यवस्था भी, नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी जो सभी आमजन को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में सुविधा मुहैया की जाएगी आने जाने का। ये मैंने कुछ मैनिफेस्टो रखूँगा, मैं मैनिफेस्टो में रखूँगा ये बहुत सारी चीज़ें। और
ऐसे बहुत सारे दर्जनों मुद्दे हैं। कहीं पानी की निकासी का कितना बुरा हाल है, आज एक बारिश हो जाए आप कॉलोनियों में नहीं जा सकते, अपने घर में ही नहीं जा सकता। कोई आदमी नौकरी करके आ रहा है दिल्ली से या फरीदाबाद से या कहीं अन्य जगह से और वो अपने घर नहीं पहुंच सकता, ऐसे ऐसी कॉलोनियों में ये बुरे हालात हुए पड़े हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने फोकस किया हुआ है। अगर यदि मुझे चेयरमैन बनने का मौका जनता देती है तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें होंगी और बेहतरीन होंगी। जैसे कि अभी पानी निकासी की अगर बात की आपने, पानी निकासी पलवल की एक अहम समस्या है। हल्की सी बरसात में पूरा पलवल जलमग्न हो जाता है। सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि जो नेशनल हाईवे है वो ऊंचा है और वार्डों की जो सड़कें हैं वो नीची हैं। ऐसे में किस तरह से पानी की निकासी को लेकर व्यापक प्रबंध किए जाएंगे, किस तरह से पानी की निकासी होगी वार्डों के लिए, जिसके लिए उस बाद में जो जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। पत्रकार महोदय, ये सब चीज़ें मैं एक विज़न के रूप में लूँगा, अपने दिमागी रूप से मेरा एक विज़न है, मेरा एक सपना है। अगर पलवल में मुझे ये मौका मिलता है तो पलवल को चमन बनाना, पलवल को एक ऐसी नगरी बनाना जो नंबर वन नगर परिषद पलवल रहे, वो मेरा विज़न है। ये सब चीज़ पे काम करूँगा। जहाँ रास्ते नीचे हैं वो ऊपर होंगे, जहाँ ऊपर हैं वो लेवल होंगे, और जहाँ सड़कें खराब हैं, रास्ते खराब हैं, वो तुरंत प्रभाव से बनेंगे। ऐसा नहीं होगा अब रास्ता बना दिया, 3 दिन रुक के उसकी खुदाई करके फिर पानी की सिविल लाइन डल रही है उस पर, फिर पानी की लाइन खराब हो रही है, फिर उसको खोद रहे हैं। ये सब चीज़ घोटालेबाजी नहीं होगी। मेरे रहते हुए ये चीज़ें नहीं मैं बर्दाश्त करूँगा। जो होगा वो पलवल के हित में होगा, आमजन के हित में होगा। जैसे कि भ्रष्टाचार की आपने बात करी, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो जो भी नगर परिषद क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच करवाओगे? देखिए, जहां तक बात है जांच करवाने का, अगर यदि मेरे सामने मुझे ये मौका मिलता है, अब मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो मैं उसको ज़रूर उजागर करूँगा। मुझे ये मौका मिलता है तो निश्चित रूप से आप सुनिश्चित रहिए, मैं उसको उजागर तो ज़रूर करूँगा जनता के बीच में। जनता के बीच में आप जा रहे हो, किस तरह का समर्थन, किस तरह का आशीर्वाद जनता की तरफ से मिल रहा है आपको? अभी कल पता चलेगा कि टोटल कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं चेयरमैन के लिए, उनमें से मैं भी एक हूं। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव निशान चश्मा है। तो मैं तो सबसे पहले तो आपकी मार्फत ये रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक और आमजन से, पलवल नगर परिषद क्षेत्र के जनमानस से, कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ मुझे वोट सपोर्ट कीजिए। और जहाँ तक आपके जो क्वेश्चन की बात है, जब भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उन पे हृदय बिल्कुल एक तरह से मेरे पास शब्द नहीं है। पलवल में बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप बजाय किसी को क्रिटिसाइज करने के, बजाय किसी की आलोचना करने के, अगर मुझे मौका देती है जनता तो मैं सीधा काम पे ध्यान दूंगा। और तो ये सब चीज़ें राजनीति नहीं करनी, मुझे काम करना है। चुनाव से पहले तमाम उम्मीदवार जनता के बीच में जाते हैं, तरह तरह के मुद्दों की बात करते हैं, तरह तरह के विकास करने की बात करते हैं, जैसे कि भी आप कर रहे हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है उसके बाद वो जो वादे हैं, दावे हैं, वो खोखले ही रह जाते हैं। क्या कारण है ऐसा, और आप क्या लगता है आप पूरे कर पाओगे इन सब वादों को? मैं सुनिश्चित वादा करता हूँ आपके मार्फत, आपके माध्यम से, कि जो वादा करूँगा वो 100% निभाऊँगा। CCTV कैमरे बहुत बेहद ज़रूरत की चीज़ है। आप एक खंभे से दूसरे खंभे तक की फ्रीक्वेंसी, एक खंभे से दूसरे खंभे तक चीज़ें दिखनी चाहिए। मैं यहाँ इस कैमरे से छूट गया तो अगला कैमरा मुझे पकड़ लेना चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ताकि क्राइम रुके, ताकि चोरी चकोरी और बुरे लोग बुराई ना कर सकें समाज में। और CCTV कैमरा इसमें बहुत अहम रोल निभाते हैं। बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा भी होती है, हमारी खुद की, सभी व्यक्तियों की सुरक्षा भी होती है। क्राइम तो सुनिश्चित बहुत हद तक रुक जाएगा अगर यदि CCTV कैमरे से और कैमरे तक की पहुंच एक दूसरे के साथ में हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मेरे वरीयता पे हैं, बहुत सारे काम हैं मैं जिनको दिमाग में रखा रहा हूँ, और अगर यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको पहले दिन से शुरू कर दूँगा।
आप आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, आपने भी पलवल नगर परिषद से जो टिकट की दावेदारी पेश की थी लेकिन टिकट आपको नहीं मिली, उसके बाद आपने डॉक्टर सुशील गुप्ता पर 50 लाख रुपए का आरोप लगाया था कि भी 50 लाख रुपए में टिकट फेंकी गई है, ऐसी क्या अनदेखी रही, किस तरह का ये पूरा प्रकरण रहा? पत्रकार महोदय, ये बात तो मैं करण डागर अकेला नहीं कह रहा, पूरे पलवल शहर कह रहा है और मैंने भी शहर की आवाज़ ही सुन के ये बात कही, मैंने कोई दूसरी तरह की बात नहीं की। वहाँ पे आम आदमी पार्टी में मेरे समेत दर्जनों कार्यकर्ता जो सालों से काम कर रहे, लेकिन उनको दरकिनार करके एक महीने 20 दिन में हायर करके खरीद फरोख्त करके एक दूसरे आदमी को टिकट दे दिया जाता है, दूसरे पर्सन को टिकट दे दिया जाता है, तो ये पूरे शहर को मालूम है ये टिकट पैसे से हुआ है। क्या लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है, अभी पंजाब के बाद हरियाणा में भी वो चार तरफ उनकी जीत होगी, तो इस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने के बाद आम आदमी पार्टी क्या लगता है हरियाणा निकाय चुनाव में अपनी मजबूती पेश कर पाएगी? पत्रकार महोदय, अभी मैं आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं अब दूसरी पार्टी पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। तो क्या अपील करना चाहोगे आप जनता से? मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आने वाली 19 तारीख को आपके पलवल नगर परिषद के चेयरमैन के और वार्ड पार्षदों के चुनाव हैं, जिनमें आप एक वोट वार्ड के पार्षद की डालेंगे, एक वोट अपने चेयरमैन के लिए डालेंगे, तो मैं चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव निशान चश्मा है, चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी है, चौधरी देवीलाल की नीतियों में अपने आप को समर्पित करते हुए प्लीज़ मुझे वोट सपोर्ट करें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो इनेलो पार्टी से चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं करण डागर जी, जिनका कहना है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है और मुझे चेयरमैन बनाती है तो पलवल नगर परिषद क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, इसके अलावा भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। उनका कहना है कि जनता अगर उन्हें आशीर्वाद देती है, जो पानी निकासी की पलवल की विकराल समस्या है उसका जड़ से समाप्त किया जाएगा। ऐसे में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने दावे पेश कर रहे हैं, 4 जून को सभी जो उम्मीदवार थे वो अपना नामांकन भर चुके हैं, 7 जून को उनको चुनाव चिन्ह मिलना है और 19 जून को ये जो मतदान होना है जिसमें जो भी चेयरमैन बनेगा उसके जो उसमें कैद हो जाएगा और 22 तारीख को पता लग पाएगा कि कौन चेयरमैन बन पाता है।